तो MSXS की हम कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, और आज जैसे कि हम बात किए थे लास्ट क्लास में कि एक्सेल में मेस्टली चार फीचर्स होते हैं, टेबल, फॉर्म, क्यूरी, रिपोर्ट्स। तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं टेबल से, क्योंकि टेबल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम टेबल में कुछ नहीं डालेंगे तब तक आगे क्या होगा। ओके, तो चलिए टेबल के अंदर हम डालते हैं। तो चलिए हम डेटाबेस को ओपन करते, क्लिक करते हैं। आपसे डेटाबेस पूछेगा नेम एंड लोकेशन। तो बाय डिफॉल्ट डेट आपका जा रहा है माय डॉक्यूमेंट में, लेकिन आपको माय डॉक्यूमेंट में नहीं डालना है, आपको किसी और जगह पे डालना है। तो इसका ही अब जैसे कि यहाँ पे लोकेशन माय डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आप चाहते हैं कि इसके जगह पे कोई और, मतलब कि कोई और लोकेशन हो, तो इस पर ब्राउज पे क्लिक करके अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, उसी लोकेशन में जाएगा। डेटाबेस की जगह पे कुछ भी नाम दो, जैसे मैंने यहाँ पे डेटा डाल दिया ना, तो ये डेटा आपका, ठीक है। और फिर मैं क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद आप डेटा कैसे इसमें आएगा, तो डेटा लाने का दो तीन तरीके होते हैं ना सर। पहला होता है कि आप एक्सेल के डेटा एक्सेल फाइल से लेके जाए, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक्सेल में डेटा है और मुझे एक्सेल के डेटा को इसमें पे डाला है, दो तरीके हैं। आप कॉपी पेस्ट करना चाहो तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इस डेटा को सिलेक्ट करें एंड कॉपी करें एंड इसमें आए और इसको सिलेक्ट कर, सॉरी इससे माउस से सिलेक्ट कर लें और जस्ट पेस्ट कर लें। ओके, जब पेस्ट की सिलेक्ट कीजिएगा तो आईडी और दोनों सिलेक्ट कीजिएगा, एक आईडी सिर्फ सिलेक्ट कीजिएगा तो नहीं होगा, आप ऊपर क्लिक करके और से एरो की से सिलेक्ट करके इसको पेस्ट करें, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए, ठीक है, आ गया। दूसरा, अब इसके बाद इसको क्लोज कीजिएगा तो आपसे सेव करने के लिए पूछेगा। सेव में यहाँ पे मान लीजिए डेटा वन करके सेव कर, लेकिन अगर आप चाहते इंपोर्ट करना, एक तरीका तो कॉपी पेस्ट, दूसरा तरीका है इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट के लिए यहाँ एक्सटर्नल डेटा दिख रहा है ना टैब, हाँ वहाँ जाना होगा, न्यू डेटा सोर्स फ्रॉम फाइल टू एक्सेल, उसके बाद ब्राउज कीजिए और अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिए। फाइल सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा है इंपोर्ट सोर्स इनटू न्यू टेबल एज ए करेंट डेटाबेस, मतलब कि जो डेटाबेस है उसे करेंट बनाएगा। दूसरा होता है अपेंड एंड रिकॉर्ड टेबल, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी डेटा वर्ड में आपको एक उसके नीचे पेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए इसका यूज कब होता है, जैसे डेट वाइज आपको फाइल मिल रहा है, आज मिली फिर कल मिला, तो कल वाला फाइल आज वाला डेट जो है कल वाला जो डेट मिला था उसके नीचे पेस्ट करना है, तो वहाँ पे अपेंड वाला सिस्टम यूज करते हैं, समझे, नीचे अपेंड मिला। लिंक टेबल, अच्छा, और सर मैं समझा नहीं, अपना जो कॉपी एंड रिकॉर्ड जो टेबल बोला है, जो एग्जिटिंग जो डेटा है उसके अंदर ऐड करेगा। हाँ, पहला उसमें रिपोर्ट सोर्स डेटा न्यू टेबल इन द करेंट डेटाबेस, जैसे कि एक जैसे डेटा टेबल डेटाबेस वन है ना, इसी तरह का एक नया टेबल इंसर्ट करेगा, उसमें आपका डेटा को डाल देगा, समझे सर। आपका वॉइस कट कट हो क्या रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, हाँ
इसके लिए मैं दोबारा पूछना पड़ा इसके लिए। तो ये समझ में आया कि नहीं समझ आया पहला? हाँ हाँ पहला, अभी फिर से बताए क्योंकि वॉइस कट हो रहा था, आधा समझ में आया। जी होता क्या है कि ये क्या करेगा, जो हम अभी जो डेटा वन इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी एक नई टेबल बना के डाल देगा। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करें अपेंड, तो ये क्या करेगा, जो पहले से बना हुआ टेबल में है उसी के नीचे पेस्ट कर देगा। अच्छा, लिंक करते हैं तो क्या होगा कि ये डेटा को लाएगा नहीं, उसको लिंक कर देगा। एक्सेल फाइल जब चेंज होगा तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंपोर्ट सोर्स डेटा को सिलेक्ट करता हूँ एंड ओके पे क्लिक किया। उसके बाद आ जाता है शीट्स कि कौन सा शीट का डेटा चाहिए आपको, तो शीट वन का चाहिए और डेटा आपको यहाँ दिखा दे रहा है कि शीट वन में डेटा कैसा है। अब एक बार देख के वेरीफाई कर लो, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आता है कि फर्स्ट जो रो है हेडिंग है तो क्लिक कर दीजिए, देन नेक्स्ट 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 एंड फिनिश एंड क्लोज। अब आप सोचेंगे कि ये सबसे अच्छा तो यहाँ कॉपी पेस्ट वाला था ना, हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अच्छा हाँ, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। लेकिन कॉपी पेस्ट में क्या है कि एक तो आपके पास लार्ज डेटा होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा 2 लाख रो आपका डेटा है, 10 लाख रो आपका डेटा है, तो उसमें तो कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएंगे ना। ना ना नहीं कर। दूसरा आता है कि आपका एक्सेल फाइल से लिंक नहीं होता। अब यहाँ चेंज किया तो एक्सेल पे चेंज हुआ, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो ये सीट वाला है वो क्या है, ये आपके एक्सेल फाइल से लिंक है। लेकिन इसके लिए आपको रिफ्रेश करना होगा आपको। और दूसरा क्या होता है कि कितना भी बड़ा फाइल क्यों ना इसको इंपोर्ट कर लेगा। इसमें लास्ट में एक ऑप्शन था सेव इंपोर्ट, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपके साथ। जैसे मान लीजिए कि एक ही फाइल को आप डेली लोड करते हैं, होता क्या था कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर था, डेटाबेस था, वो क्या करता था कि तो जब डेटाबेस हम लोग क्या था कि जब डेटाबेस हमें डेटा डाउनलोड करके एक फोल्डर में रख देता था, सबसे नाम सेम होता था, डेटा का फॉर्मेट सेम होता था, डेटा अलग अलग होता था। तो हमने क्या किया था, इंपोर्ट प्रोसीजर को सेव कर रखा था। तो नेक्स्ट टाइम मुझे जस्ट यहाँ से सेव इंपोर्ट दिख रहा है ना, इसमें जाके उसको सिलेक्ट करके रन करना होता था, ना फाइल सेलेक्ट करने का झंझट, ना शीट सेलेक्ट करने का झंझट, और ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता था। तीसरा होता है कि आप खुद से अपना एक टेबल क्रिएट करें, खुद से अपना एक टेबल क्रिएट करें। तो क्रिएट पे जाइए और टेबल पे क्रिएट कीजिए। आवाज कट हो रहा है सर, पता नहीं, इसलिए आप बारिश हो रही है काफ़ी, तो लग रहा है इंटरनेट की स्पीड लग रहा है कम गया है। इसके लिए दोबारा मेरे को पूछना पड़ता है। एक में देख लेता हूँ स्पीड में अपना। ठीक है, हेलो, आवाज़ आ रही सर? हाँ अभी आ रहा है, नेटवर्क आपका तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये यहाँ आईडी हो गया, फिर यहाँ पे नेम, यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक टू ऐड, तो पूछेगा कि इस कॉलम में कौन सा डेटा डालने वाले हैं आप। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट, छोटा टेक्स्ट डालना है, क्लिक किया और यहाँ पे नेम लिख दिया। ओके, फिर पूछता है इसमें क्या डालना है, तो मैंने बोला इसमें भी छोटा टेक्स्ट डालना है, तो सिटी। पूछा है क्या डालना है, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, तो मोबाइल नंबर। अब आप बोलोगे सर मोबाइल नंबर तो नंबर होता है, तो टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं आप? नंबर हम उसको डालेंगे जहाँ पे कैलकुलेशन करना है, बाकी सब टेक्स्ट में आएगा। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे जीएसटी। ओके,
अब मैंने बना लिया, अब इसमें से अपना टेबल इनपुट आप बनाते चले जाइए, पूजा सिटी दिल्ली, मोबाइल नंबर यहाँ, और यहाँ पे अमाउंट जीएसटी, इस तरह से आप ऐड करते जाए। लास्ट में जब क्लिक करेंगे तो पूछेगा सेव, क्लिक करके आप इसका जो है सेव नाम देखिए, इसको सेव कर, ठीक है। ओके सर, समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया। तो इसमें हुआ आपने सीखा कि कैसे डेटा को इंपोर्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, कैसे डेटा को इंपोर्ट करेंगे और कैसे हम डेटा को क्रिएट करेंगे। अब कॉपी पेस्ट करने वाला हुआ और इंपोर्ट करने वाला हुआ तो आप छोटे बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, बट क्रिएट करने वाली बात हुई कि कैसे क्रिएट करें। अब क्रिएट करने में छोटा सा झंझट होता है। झंझट क्या होता है कि इसमें आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है टेक्स्ट क्या होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि नंबर आपको लेना है, जैसे टेक्स्ट का नाम वगैरह सिटी वगैरह लेना है, मैंने 50 वर्ड तक का नाम लेना है, चैप्टर तक का नाम लेना है, तो शॉर्ट टेक्स्ट हो जाएगा। नंबर आपको छोटा नंबर चाहिए तो नंबर, बड़ा लार्ज नंबर लिखना है, बहुत बड़ा नंबर लिखना है तो लार्ज नंबर। करेंसी होता है जिसमें अमाउंट अमाउंट लिखते हैं तो डॉलर का साइन है, रुपीज़ का साइन लगाना चाहते हैं तो करेंसी लेते हैं। कोई डेट लिखना चाहते हैं तो डेट लिखते हैं, डेट एंड टाइम दोनों लेना चाहते हैं। अब डेट भी होता है, डेट भी लिखते हो, कुछ लोग टाइम भी लिखते हैं, तो डेट एंड टाइम दोनों लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है यस एंड नो। अब यस एंड नो का बटन बनाना चाहते हैं, यस एंड नो वाला लिखते हैं, ठीक है। यह आता है लुकअप एंड रिलेशन, लुकअप एंड रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए कि आप कहीं और किसी और, मतलब दो टेबल है आपका, वी लुकअप एक्सेस एक्सेल में वी लुकअप होता है ना सर? हाँ हाँ हाँ। ऐसे आप आईडी से किसी और डेटा टेबल्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका यूज होते हैं। नॉर्मली नॉन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो ले सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट जैसे कि कमेंट वगैरह लिखते हैं हम लोग लास्ट में डेटा जिसमें कमेंट होता है। हाँ तो कमेंट वगैरह अगर लिखना होता है तो उसका यूज होता है। रिच टेक्स्ट में क्या होता है सर? रिच टेक्स्ट नॉन फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, ऊपर ऊपर एक नोटपैड से लेके आते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, नोटपैड वाला जो फॉर्मेट होता है उसको रिच टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं। उसमें अटैचमेंट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटेड फील्ड, कुछ कैलकुलेशन करना है तो इसका इस्तेमाल। देखिए तब समझ में आएगा जब इसको बनाएंगे आप, ठीक है? बराबर। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आज जो है आप कम से कम 10 डेटाबेस को लिंक करें, कम से कम 5 टेबल क्रिएट करें। 5 टेबल क्रिएट करें जी हाँ, और जिसमें कम से कम 20-25 कॉलम्स का डेटा होगा। 20-25 कॉलम डेटा होगा जी, तो आप बनाएं और मुझे भेजें। अच्छा, आप बोलेंगे सर, हाँ बोलेंगे सर इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए एक्सेल में टेबल क्रिएशन को हम लोग इसको फाउंडेशन कह सकते हैं। बराबर। फाउंडेशन मतलब जो जब हम लोग घर बनाते हैं तो घर में हम लोग नींव देते हैं ना, नींव पे डिपेंड करता है कि हमारा घर कैसा होगा। उसी तरह से टेबल जैसा आप बनाएंगे उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपने टेबल क्रिएट कर लिया और डेट एंड टाइम सेलेक्ट किया, पर आगे चल के आपको जरूरत पड़ गई कि डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम की जगह पे डेट एंड टाइम एक्सटेंडेंट चाहिए हमको, उसको एक्सटेंड करने वाला चाहिए मुझे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बाद में बोलोगे कि नहीं मुझे सर, मुझे जो है ना हमने आपने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया, बाद उस पर कैलकुलेशन करनी है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आपको पहले डिसाइड करना होगा और बनाना होगा तभी होता है। तो टेबल क्रिएशन को थोड़ा सा डिटेल में सीखे, प्रैक्टिस करते हुए सीखे, स्लोली सीखे। ओके ओके, ठीक है। तो मिलते हैं कल 11 से 11:15 के बीच में। ओके, तो मेरे को भी सर क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है जी, नया बनाना है, नया टेबल बनाऊं कि इसके अंदर इनपुट करूं? नया टेबल बनाना है। अच्छा, नया पहले तो पहले 4-5 फाइल को, 4-5 डेटाबेस को लिंक कीजिए, एक्सेल, एक्सेस, एक्सेस नोटपैड, ऐसे फाइल को लिंक कीजिए पहले, मतलब इंपोर्ट कीजिए, कुछ कॉपी पेस्ट कीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर नया टेबल बना के इन डेटा एंट्री। अच्छा, और कितना कॉलम वाला बनाऊं? कम से कम 15-20। ओके ओके,
क्योंकि ऑफिस के डेटाबेस इसी साइज का होता है ना। हाँ 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 चलिए।